संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम वर्कशीट नंबर सेकंड पढ़ते हैं। आइए जानते हैं, सबसे पहले नियम के विषय में जानते हैं, जिससे ये वर्कशीट सॉल्व करने में सुविधा रहे। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना जानेंगे। तो सबसे पहले है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान का, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। धातु है वद धातु है। वद का मतलब होता है बोलना। तो आइए साथियों जानते हैं, यहां पर पुरुष है। पुरुष के नीचे देखिए प्रथम पुरुष, ये देखिए प्रथम पुरुष, और फिर प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं वदति और फिर वदत है, नेक्स्ट है वदन्ति। इसके बाद है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष की क्रिया है वदसी, वदत है और वदत। फिर है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं वदामि, वदावह, वदामह। इस प्रकार से वदति, वदतः, वदन्ति, वदसी, वदतः, वदत, वदामि, वदावह, वदामह। ये इस प्रकार से ये क्रियाएं हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम जानते हैं इनके रूल के विषय में। तो नीचे देखिए इसका नियम लिखा हुआ है, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने का नियम क्या है। जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता है, उसी पुरुष तथा वचन की क्रिया होगी। ये नियम बताया हुआ है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। और नंबर सेकंड है, जिस पुरुष तथा वचन की क्रिया है, उसी पुरुष तथा वचन का कर्ता होगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुष। हम उत्तम पुरुष के कर्ता देखिए, अहम का मतलब होता है मैं, और आवा मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहां पर दिया हुआ है मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष के कर्ता देखिए, त्वम मीन्स तुम, और युवा मीन्स तुम दोनों, युवा मीन्स तुम दोनों, और नेक्स्ट है यूयम तुम सब। ये नियम हर वर्कशीट में इसलिए दिया जा रहा है जिससे आपको सुविधा रहे। नेक्स्ट है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में उदाहरण के लिए दिया गया है, जैसे सह मीन्स वह, ये पुलिंग शब्द है, और तव मीन्स वे दोनों, ये भी पुलिंग है, और ते मीन्स वे सब, ये भी पुलिंग है। अब स्त्रीलिंग देखिए, सा मीन्स वह, और ते मीन्स वे दोनों, और ता मीन्स वे सब, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब पुलिंग देखिए, अयम, अयम मीन्स यह, और इमौ, इमौ मीन्स ये दोनों, और इमे, इमे का मतलब ये सब, ये हमारा पुलिंग है, ठीक है। अब स्त्रीलिंग शब्द देखिए, सर्वनाम शब्द इयम मीन्स ये है, और इमे मीन्स ये दोनों, और इमा का मतलब होता है ये सब। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, पुरुष के विषय में बहुत ही अच्छी तरह से बताया हुआ है क्या। देखिए उपरोक्त अहम आवाम वयम, ठीक है, और फिर आगे बता रहे हैं कि त्वम युवम यूयम के अतिरिक्त का मतलब के अलावा सभी कर्ता प्रथम पुरुष होते हैं, ये स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न है, संस्कृत भाषायां अनुवादम कृत्वा लिखत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखिए। अब यहां पर शब्द दिया हुआ है मैं बोलता हूं, इसका अनुवाद करके आपको लिखना है मैं उत्तम पुरुष है एक वचन, और बोलता हूं ये भी उत्तम पुरुष एक वचन में आपको लिखना है। नेक्स्ट है हम दोनों, उत्तम पुरुष द्विवचन है, और बोलते हैं ये भी उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखनी है, ठीक है। कल इनके आंसर के विषय में हम डिस्कस करेंगे, आज तो केवल हम ये हिंदी में कौन सा पुरुष है कौन सा वचन है ये बता रहे हैं, जिससे आप इनके आंसर लिख सको, और कल आप मिलान करेंगे अपने आंसर्स का। हम सब का मतलब होता है उत्तम पुरुष बहुवचन,
और बोलते हैं, ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तुम मध्यम पुरुष एकवचन, बोलते हो मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया, ठीक है। और तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन और बोलते हो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया, ठीक है। और तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता और बोलते हो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया आपको लिखनी है, ठीक है। अब इधर अगले पेज पर चलने से पहले ये देख लेते हैं, यह है प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता और बोलती है प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया, ये लिखा हुआ है ऊपर, आसानी से आप देख सकते हैं। ये दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता और बोलती है प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, ये सब प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता और बोलती है प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया, यह प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता और बोलता है प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया, ये दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता और बोलते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, ये सब प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता और बोलते हैं प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया। आगे देखिए, वह प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता और बोलता है प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया। नेक्स्ट, वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता और बोलते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता और बोलते हैं प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया, राम प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता और बोलता है प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया, मीता प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता, बोलती है प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया, विमला और रीता प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता और बोलती है प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, विमला गीता और रीता प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता और बोलती है प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया, सुरेश महेश और नरेश प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता और बोलते हैं प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया। इस प्रकार आपको पुरुष और क्रिया के विषय में बता दिया गया है। इसके आधार पर आप इन हिंदी के जो वाक्य हैं इनका संस्कृत में अनुवाद करेंगे और कल इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे इसी प्रकार वर्कशीट के सॉल्यूशन के रूप में। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।